माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर मिलने के बाद शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई थी। कौन शूटर था उसके साथ, क्यों शाइस्ता का प्लान हुआ फेल, अभी तक क्यों नहीं पकड़ी गई शाइस्ता, क्या कर रही है यूपी पुलिस, देखते हैं अंदर की बात में। सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन 16 अप्रैल को प्रयागराज आई थी। शाइस्ता यहां खुल्दाबाद इलाके में अतीक अहमद के एक बेहद करीबी के घर पर रुकी थी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ उमेश पाल शूटआउट केस का शूटर साबिर भी था। दोनों उस दिन कसारी मसारी कब्रिस्तान जाना चाहते थे ताकि वो अतीक अहमद के जनाजे में शामिल हो सके और आखिरी बार उसे देख सके। मीडिया में सुरक्षा इंतजामों की लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही थी और उसकी तस्वीर ले जा रही थी। इसी वजह से शाइस्ता और साबिर का प्लान फेल हो गया था। इस खबर के बाद प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज की पुलिस जिस शाइस्ता परवीन और साबिर को पूरे देश में ढूंढ रही है, वो पति की हत्या के बाद शहर में आकर रुकती है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने चुप्पी साधी है। वहीं अगर बीजेपी ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाती है तो ब्रजभूषण क्या कर सकते हैं, क्या है उसका प्लान, आइए जानते हैं। दिल्ली में पहलवानों का कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। तमाम निगाहें ब्रजभूषण पर टिकी हुई है, वह अपने बचाव में आखिर क्या करेंगे। सूत्रों की माने तो अगर बीजेपी उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला करती है तो वहां समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी तक इस पूरे मामले में पहलवानों के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है और न ही खुलकर कुश्ती संघ अध्यक्ष की आलोचना की है। बीते दिनों ब्रजभूषण सिंह भी इस कारण अखिलेश की सराहना कर चुके हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश जी सच जानते हैं, मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों का सामाजिक दायरा किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे टीवी चैनलों पर ब्रजभूषण के समर्थन या खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करें। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी भी इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेने से बच रही है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका प्रभुत्व कम हो, खासकर उन जगहों पर जहां सिंह आबादी का दबदबा ज्यादा है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के अनुसार लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही समय रह गया है। ब्रजभूषण सिंह का करीब 6 से 7 सीटों पर बड़ा प्रभाव है, इसीलिए पार्टी ने इस पूरे मामले पर नजर बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय और इन सभी मांगों पर विचार करते हुए मैंने NCP अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है। भले ही मैं यह फैसला ले रहा हूं, मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूंगा। NCP में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही हलचल पर विराम आ गया है। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, यानी शरद पवार ही NCP के अध्यक्ष बने रहेंगे। इससे पहले पार्टी की 18 सदस्य वाली कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। मीटिंग के दौरान NCP कमेटी ने कहा था कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसको लेकर शुक्रवार शाम को शरद पवार ने YB चौहान सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी। शरद पवार ने कहा कि 2 मई 2023 को मेरी आत्मकथात्मक पुस्तक लोक भूल भुलैया संगति के विमोचन के अवसर पर मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की घोषणा की। सार्वजनिक जीवन में 63 साल की लंबी सेवा के बाद पद छोड़ने का फैसला मेरा खुद का था, लेकिन मेरे फैसले ने लोगों के बीच मजबूत भावनाएं पैदा की। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला सुनकर पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और मेरे सहयोगी मायूस हो गए। मेरे सभी शुभचिंतकों ने एक स्वर में मुझसे अपने फैसले पर पुनः विचार करने की अपील की। उसी समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, मेरे सहयोगियों और पूरे देश और विशेष रूप से महाराष्ट्र के शुभचिंतकों ने मुझे अपना निर्णय बदलने के लिए राजी किया।
पवार ने कहा कि सभी के द्वारा की गई अपील को ध्यान में रखते हुए एवं समिति के निर्णय का सम्मान करते हुए मैं पद छोड़ने का अपना निर्णय वापस ले रहा हूँ। कार्यकर्ताओं का अनादर नहीं कर सकता हूँ। भले ही मैं यह फैसला ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूँगा। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और अन्य कई ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के लिए मेरी मौजूदगी जरूरी है। हालांकि अजीत पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीसी में हर कोई नहीं आता है। पार्टी के सभी सीनियर नेता अजीत पवार सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता प्रस्ताव पारित करने में शामिल थे। मैंने अपने साथियों को भरोसे में ही नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वे मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। प्रतिक्रिया को देखते हुए मैंने अपना निर्णय वापस लिया है। पूरी टीम सक्षम है, मैंने उन्हें मौका देने के लिए इस्तीफा देने का फैसला लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत बीते दिनों चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आइए जानते हैं भारत में किस कदर बढ़ रही है बेरोजगारी की दर। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बेरोजगारी के लगातार बढ़ते आंकड़े चुनौती बढ़ा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने यानी अप्रैल 2023 में देश की बेरोजगारी दर 8% के पार निकल गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई, जो एक महीने पहले यानी मार्च 2023 में 7.8% थी। CMIE ने बताया कि अप्रैल महीने के दौरान बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण लेबर पार्टिसिपेशन रेट में तेज वृद्धि है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट से पता चलता है कि काम करने के लिए योग्य लोगों की संख्या किस दर से बढ़ रही है। मार्च में इसकी दर 39.77% थी, जो बढ़कर अप्रैल में 40.98% पर पहुंच गई। इस तरह अप्रैल महीने के दौरान काम करने में सक्षम लोगों की संख्या बढ़कर 46.76 करोड़ हो गई। अकेले अप्रैल महीने में इनकी संख्या में 2.55 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ। हालांकि CMIE ने इस आंकड़े से कुछ सकारात्मक निष्कर्ष भी निकाला है। CMIE का कहना है कि अप्रैल महीने के दौरान लेबर फोर्स में शामिल हुए लोगों की रिकॉर्ड संख्या इस बात का इशारा करती है कि लोगों के बीच रोजगार खोज पाने का भरोसा बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश को ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग जैसे बड़े कंपटीशन में मेडल दिलाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक और कारनामा किया है। नीरज डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। क्या बनाया स्कोर, देखते हैं रिपोर्ट में। देश को ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग जैसे बड़े कंपटीशन में मेडल दिलाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक और कारनामा किया है। नीरज डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 25 साल के नीरज ने दोहा में चल रही प्रतियोगिता के मेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर भाला फेंका। यह नीरज का गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस साबित हुआ। नीरज ने साल 2023 का पहला मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप से पहले उम्मीद की जा रही थी कि नीरज दोहा में 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंकने का रिकॉर्ड बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोहा में चल रही हवा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। नीरज ने भले ही 90 प्लस मीटर का मार्क हासिल न किया हो, लेकिन देश को गोल्ड जरूर दिला दिया। नीरज चोपड़ा ने अपने सीनियर करियर का 7वां इंटरनेशनल गोल्ड जीता। इससे पहले चोपड़ा एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग में गोल्ड जीत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।